प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक के पूर्व सर्किट हाउस पहुंचने पर प्रभारी मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बैठक में प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि किसानों के गन्ना मूल्य एवं धान खरीद के भुगतान 100% होने चाहिए, किसानों का कोई भी भुगतान अवशेष नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता, सिंचाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कृषक हित सर्वोपरि है और प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से एवं गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि यदि बजट के अभाव में अथवा किसी कारणवश कार्य में विलंब हो रहा है तो अवगत कराएं ताकि उसका निराकरण शासन स्तर से कराया जा सके, परंतु कार्य रुकना नहीं चाहिए और निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्यों को पूर्ण किया जाए। जनपद को हाईटेक सिटी बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। विद्युत विभाग को प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि 72 घंटे के अंदर खराब ट्रांसफार्मरों को बदल दिया जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सिंचाई की दृष्टिगत सभी नलकूप सही स्थिति में संचालित रहे, कोई नलकूप बंद नहीं होना चाहिए। एक जिला एक उत्पाद की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में टेराकोटा के अलावा रेडीमेड गारमेंट्स को विकसित किया जा रहा है। पिपरौली एवं गीडा में इसकी यूनिट कार्य कर रही है। 134 लोगों ने आवेदन किया है तथा इच्छा प्रकट की है कि गीडा में रेडीमेड गारमेंट्स हेतु पार्क उपलब्ध कराया जाए। इस हेतु गीडा द्वारा 150 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी मंत्री ने पंजीकरण अधिक से अधिक कराने और वर्कशॉप आयोजित कर रेडीमेड गारमेंट्स की उद्यमी को प्रेरित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, खड़ा रहेगा बाकी मंत्री के नाते हमारा दौरा है, कुछ विकास कामों के बारे में चर्चा करेंगे और तमाम ऐसे स्थिति बन रही जो कई जगह कारगर कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी करेंगे और माननीय महाराज जी के द्वारा बताए गए निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हम लोग लगेंगे इसमें।